आज का जो टॉपिक है वो है इंटेंट। एंड्रॉइड में इंटेंट क्या चीज़ होती है? तो इंटेंट बेसिकली एक ऐसी मैकेनिज्म है जो लाइक वेरियस टाइप के कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे कि एक्टिविटी हो गई आपकी, सर्विसेज हो गई, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हो गए, तो इन सब के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो क्रिएट करता है, यानी कि कम्युनिकेशन ब्रिजेस को अपन बोल सकते हैं। जो लाइक एक जैसे मान लीजिए एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए आपके लिए मदद करता है। आप एक सर्विस को इनेबल डिसेबल करते हैं, मतलब उसको स्टार्ट स्टॉप करते हैं, तो उसके लिए आपको हेल्प करता है। तो उस हिसाब से एक इंटेंट जो है वो एक ब्रिज का काम करता है आपके एप्लीकेशन में, आपके एंड्रॉयड के अंदर। एंड मेनली इंटेंट है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट, दूसरा होता है इम्प्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट की बात करें अपन, तो एक्सप्लिसिट इंटेंट जो होता है वो एक तरीके से एक ऐसा इंटेंट होता है जो आपका इंटरनली वर्क करता है, यानी कि एप्लीकेशन के अंदर इंटरनली ही वर्क करता है। जैसे कि आपकी एक्टिविटी हो गई या सर्विस हो गई या ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो गया, इनको ट्रिगर करता है वो। और साथ में जैसे एक होता है कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर अगर अपना डेटा सेंड करना चाहते हो कुछ, तो वो आप एक्सप्लिसिट इंटेंट के थ्रू सेंड करते हो। दूसरा आता है इम्प्लिसिट इंटेंट। इम्प्लिसिट इंटेंट जो होता है वो क्या होता है ना कि इसके अंदर आप एक एक्शन परफॉर्म करते हो, है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे लाइक आप आपके एप्लीकेशन के अंदर एक बटन है, बटन से आप एक कैमरा ओपन करवा रहे हो डिवाइस का, तो वहाँ पे आपने एक एक्शन परफॉर्म किया है, आपने अपनी एप्लीकेशन को एक इंटेंट के थ्रू एक एक्शन दिया है, और उस एक्शन को परफॉर्म करने के बाद आपका कैमरा वो ओपन हो जाता है। जैसे आपने किसी टेक्स्ट पे क्लिक किया, एक यूआरएल पे आपने क्लिक किया, तो आपका ब्राउजर ओपन हो गया, है ना। या फिर कई बार क्या होता है कि हमारे डिवाइस में लाइक कैमरा की कुछ मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं, ब्राउजर्स मल्टीपल होते हैं, या फिर गैलरी की बात करें तो गैलरी मल्टीपल्स होते हैं, कई बार कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास एक इंटेंट डायलॉग ओपन हो जाता है कि आप कौन से एप्लीकेशन के अंदर इस चीज़ को, इस एक्शन को आप परफॉर्म करना चाहते हो, है ना। जैसे मान लीजिए एक यूआरएल पे आपने क्लिक किया अपने एप्लीकेशन में, उसमें क्या होगा, आपके पास क्रोम ब्राउजर भी है फ़ोन के अंदर, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर भी है, आपके पास कुछ और एक्स वाई जेड थर्ड पार्टी ब्राउजर्स भी है ना। तो उसमें जैसे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा इंटेंट डायलॉग के थ्रू कि आप कौन से ब्राउजर में जाके ये यूआरएल ओपन करना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं इंटेंट डायलॉग। और वो किस में आता है, इम्प्लिसिट इंटेंट के अंदर आता है। तो इसको अपन देखेंगे इसके सिंटेक्स के थ्रू भी। इंटेंट को समझने के लिए हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो एंड्रॉइड स्टूडियो को अपन ओपन करेंगे और हमारी मेन एक्टिविटी जो यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट इंटेंट की, वो क्या होता है। तो अगर आपको ट्यूटोरियल पहले का आपने देखा है स्प्लैश स्क्रीन का, तो यहाँ पे मैंने स्प्लैश स्क्रीन के अंदर एक कोड लिखा था इंटेंट का, कि अपना जो भी हम स्प्लैश स्क्रीन से मेन एक्टिविटी पे चले जाएँ, यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे अपन जा रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे अपन ने वेरिएबल बनाया था इंटेंट का, और इंटेंट की क्लास कॉल करके हमने उसका एक पाथ दे दिया था कि फ्रॉम टू दिस, है ना, कि इस वाले एक्टिविटी से अपना मेन एक्टिविटी पे जो एप्लीकेशन है वो रेफर कर दे। तो अब इंटेंट तो अपना यहाँ पे काम आ गया, इसके साथ अपन कुछ डेटा सेंड करते हैं। तो डेटा कैसे सेंड करेंगे, उसके लिए हम जैसे इसी इंटेंट के वेरिएबल को कैच करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा में आपके पास यहाँ पे दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक रहेगा नाम, दूसरा उसकी वैल्यू, ठीक है। डेटा टाइप आप उसमें कुछ भी लगा सकते हो, बुलियन डालना चाहते हो, बाइट या कैरेक्टर या जो भी है। तो अभी फर्स्ट जो पैरामीटर आएगा वो आएगा उसका की का नेम, कि आप क्या की का नेम देना चाहते हो। तो मान लीजिए एक देता हूँ डेटा के नाम से, की का नाम रख दिया मैंने कोमा, एंड उसकी वैल्यू अपन रखेंगे। तो वैल्यू के अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हो, मैं अभी अभी के लिए मैं स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहा हूँ। तो लाइक वैल्यू हो गई मेरा, इसमें कोड का उसका चैनल का नाम लिख देता हूँ, कोड बाय आशीष मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इतना काम हो गया। अब इस डेटा को अपने को रीड करना है मैन एक्टिविटी पे ले जाके। तो मैन एक्टिविटी पे अपन इसको कैसे रीड करेंगे, इसके लिए अपन मैन एक्टिविटी पे चलेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग के लिए वैल डेटा, इसको वैल नहीं, इसको वैर करते हैं अपन, क्योंकि इसका डेटा बाद में चेंज होगा डेटा। और इसको मैंने एक ब्लैंक स्ट्रिंग से इसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने यहाँ पे। अब बात करते हैं अपन डेटा को कैच करेंगे यहाँ पे, डेटा की मतलब वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियलाइज किससे करेंगे कि हम जहाँ से डेटा लेके आ रहे हैं, यानी कि इंटेंट के थ्रू हम जिस एक्टिविटी से डेटा लेके आ रहे हैं उसको अपन को गेट भी तो करना है यहाँ पे। तो गेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इंटेंट की क्लास को ही कॉल करेंगे। गेट इंटेंट का एक फंक्शन होता है जावा के अंदर, और कोटलिन में सिंपली इंटेंट लिखा जाता है उसको। इसमें लिखेंगे इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा का अंदर अपन क्या लिखेंगे, आप उस की का नाम लिखेंगे। की का नाम क्या था अपना, जो स्प्लैश एक्टिविटी अपने दे रखा है, डेटा, यानी कि डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेंगे अपन। अगर ये स्पेलिंग भी मिस्टेक कर दिया अपन तो यहाँ पे डेटा मैच नहीं हो पाएगा। इसको कर दिया अपन डेटा, और इसको लिख देंगे टू स्ट्रिंग।
यानी कि डेटा अपन ने रीड करना चाहा यहाँ से, और कहाँ से डेटा अपने पास आ रहा है, इस पैस एक्टिविटी से आ रहा है इंटेंट के थ्रू, जो एक्सप्लिसिट इंटेंट जिसको बोलेंगे अपने यहाँ पे, और अपना डेटा अपन ने यहाँ पे रीड कर लिया। अब देखते हैं इस डेटा की वैल्यू क्या सही वही आ रही है अपने पास। तो इसको एक टोस्ट के अंदर शो करते हैं अपन, टोस्ट और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे पास कर दिया अपन ने, और इसके अंदर अपन ने डेटा को लिख दिया। यानी कि टोस्ट के अंदर अपन वही डेटा चेक करते हैं एक बार कि डेटा क्या वही अपने पास वास्तव में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एप्लीकेशन है वो अपनी यहाँ पे रन हो चुकी है, और आप देख सकते हो कि कोड बाय ऐसे यहाँ पे एक टोस्ट बन के भी आ रहा है। दैट मीन्स कि इस पैस एक्टिविटी से अपन ने कुछ डेटा यहाँ पे पास किया था इंटेंट के थ्रू, और वो डेटा अपने पास यहाँ पे पहले गेट हुआ है। गेट होने के बाद में हमने उसी डेटा को टोस्ट में शो करवा दिया। एक बार मैं दोबारा से रन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप मैंने एक्टिविटी जैसे लॉन्च होती है, अपना जो टोस्ट है वो शो होगा कोड बाय आशीष। ठीक है, इतना समझ में ये चीज़ होगी अपना एक्सप्लिसिट इंटेंट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, एक्सप्लिसिट इंटेंट। अब बात करेंगे अपन इम्प्लिसिट इंटेंट की। तो इम्प्लिसिट इंटेंट कैसे होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ। इम्प्लिसिट इंटेंट ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन नया वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे वेल इंटेंट, अब यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाएंगे अपन इंटेंट का, तो वेल इंटेंट एंड इज इक्वल्स टू इंटेंट की क्लास कॉल करेंगे और ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब एक छोटा सा चीज मैं दिखाता हूँ आपको कि सेम चीज अपन ने यहाँ पे भी करी थी, यानी कि इंटेंट इज इक्वल्स टू इंटेंट का अपन ने क्लास कॉल किया, और बट इसके अंदर अपन ने क्या किया था, करंट एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट और अपन ने मैन एक्टिविटी पास करी थी। मैन एक्टिविटी मतलब जो डेस्टिनेशन अपनी एक्टिविटी रहेगा उसकी क्लास का नाम अपन ने यहाँ पे पास किया था, क्योंकि अपने को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना था, यानी कि अपने को एक्सप्लिसिट इंटेंट को कॉल करना था, तो हमने कर लिया था। अब अपने को क्या करना, अब इम्प्लिसिट की बात कर रहे हैं अपन, तो अपने को एक एक्शन परफॉर्म करवाना है यहाँ पे एक्टिविटी से। तो उस एक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इंटेंट का क्लास को दोबारा से कॉल करेंगे, इंटेंट डॉट एक्शन व्यू। ठीक है, अब सबसे पहले एक छोटा सा काम पहले ये करते हैं कि अपन ये वाला एक्शन को कैसे परफॉर्म करेंगे, यानी कि क्या अपन ऐसा कुछ क्लिक करेंगे या फिर किस विजिबल पे या किस व्यू पे अपन इसको ऐड करना चाह रहे हैं। तो अपन एक्टिविटी के अंदर अपन देख पा रहे हैं एक सबमिट का बटन है अपने पास, तो इस सबमिट के बटन पे अपन इसको लगा देते हैं। तो सबसे पहले एक्सएमएल पे चलेंगे इसके, और जो सबमिट का बटन है ये वाला, इसके ऊपर एक अपने को आईडी सेट करनी पड़ेगी। वो आईडी अपने को क्या करेगी, वो आईडी अपने को हेल्प करेगी इसके जो बैकएंड का जो फाइल है manactivity.kotlin, उसके अंदर अपने को उसको फाइंड करने में मदद करती है। तो इसकी आईडी मैं एक सेट कर देता हूँ बटन सबमिट के नाम से, बटन सबमिट हो गया। और अभी आते हैं इसकी कोटलिन फाइल की ओर। अब इस बटन को अपने को यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, तो इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले अपन बटन का वेरिएबल बनाएंगे एक वेल बटन सबमिट एंड इज इक्वल्स टू फाइंड यू बाई आईडी। एक अपने पास फंक्शन होता है फाइंड यू बाई आईडी, यानी उससे क्या होता है कि आपकी जो एक्सएमएल फाइल पे आपने कुछ व्यू का कुछ एलिमेंट का अगर आपने कुछ आईडी दिया है तो उसको आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड व्यू बाई आईडी, यहाँ पे बटन की क्लास का मतलब जो व्यू आपने यूज किया है उसका क्लास का डिक्लेरेशन अपने को करना पड़ेगा, वो किस टाइप का व्यू है। तो वो अपना ऐप कॉम्पैक्ट बटन है, एंड ब्रैकेट्स के अंदर अपन लिखेंगे आर डॉट आईडी डॉट बटन सबमिट। इतना काम अपना हो गया। अब क्या करना है अपने को, बटन पे क्लिक लिसनर लगाना है, यानी कि अपन बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो अपना इंटेंट है वो कॉल होना है। तो बटन सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये कर दिया। इसके अंदर अपने को ये इंटेंट वाली लाइन है वो लिखनी है, क्योंकि हम बटन क्लिक पे सारा इंटेंट का जो एक्शन है वो परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया। और अब क्या करना है कि इंटेंट का वेरिएबल पकड़ेंगे और इसके अंदर एक अपन यूआरएल सेट करेंगे। तो यूआरएल के सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को एक डेटा सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो लिखेंगे सेट डेटा, डेटा के अंदर अपने को यूआरआई के फॉर्मेट में अपने को जो यूआरएल अपने को प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूआरआई। ध्यान रखना ये यूआरआई है नॉट यूआरएल, ये URI है यहाँ पे URI.parse, और इसके अंदर अपन लिखेंगे अपना स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर URL। तो URL अपना हो गया https एंड मैं अपना पोर्टफोलियो का ही लिंक दे देता हूँ यहाँ पे, कोड बाय आशीष एंड .netlify.app। ना काम हो गया, मतलब अपन ने एक URL यहाँ पे सेट कर दिया कि मेरे को, मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये वाला URL वो चला जाए किसी ब्राउजर में ओपन हो जाए जो मेरे डिवाइस के अंदर इंस्टॉल्ड रहेगा।
अब यहाँ पे एक चीज है कि इतना काम अपन ने कर लिया, तो इस दस एक्टिविटी पे भी अपन ने एक छोटा सा फंक्शन लिखा था स्टार्ट एक्टिविटी के नाम का, जिसमें अपन ने उस इंटेंट के वेरिएबल को पास किया था, तो वही चीज यहाँ पे भी करनी है अपने को। तो लिखेंगे अपन स्टार्ट एक्टिविटी और इस इंटेंट के फिल्टर को, सॉरी इंटेंट के वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देंगे, जिसपे अपन ने कुछ एक्शंस लगाए हैं। क्या एक्शन लगाए हैं अपने को, कि अपने को व्यू करना है। दूसरा पहला एक्शन तो ये है, क्या व्यू करना है अपने को, अपने डेटा दे दिया यहाँ पे, है ना। अब इस एप्लीकेशन को अपन रन करते हैं और देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। एप्लीकेशन रन हो रही है, अपना एक्सप्लिसिट इंटेंट भी पहले काम कर रहा है, यानी कि कोड बाय ऐसे यहाँ पे नाम आ गया था। अब बटन पे अपन क्लिक करते हैं, तो बटन पे मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो अपने पास जो ब्राउजर के अंदर यूआरएल है वो अपना ओपन हो चुका है यहाँ पे, यानी कि पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास डिवाइस के अंदर सिर्फ एक ही ब्राउजर इंस्टॉल्ड था, क्रोम ब्राउजर, तो इसने डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर ओपन कर दिया। अदरवाइज अगर मेरे पास मल्टीपल ब्राउजर्स इंस्टॉल्ड होते तो एक डायलॉग जो है ये ओपन कर देता यहाँ पे, कि आप कौन से ब्राउजर के अंदर अपना जो यूआरएल है या फिर जो भी एक्शन है वो व्यू करना चाहते हो, है ना। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो का जो यूआरएल है वो ओपन हो चुका है यहाँ पे। और मान लीजिए यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसको, google.com कर देता हूँ, तो यहाँ पे गूगल का भी लिंक है वो ओपन कर देगा। google.com मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। और एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रन भी कर गई और अपना गूगल का जो यूआरएल वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आएगा इंटेंट क्या चीज़ होती है, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं मेनली, और कौन से टाइप वो किस काम में आते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो फॉर मोर कंटेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।